ese muchacho. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइजिंग गेमर और एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइज। तो आज इस वीडियो में ना हम रोटेशन ड्रग का हैंडकैम के साथ फुल ट्रिक रिवील करने वाले हैं। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ तुम रोटेशन ड्रग जरूर से सीख के जाओगे, क्योंकि आज जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ ना वो यूट्यूब पर तुम्हें कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही किसी ने बताया होगा। और इस ट्रिक को यूज करने के बाद तुम्हारा रोटेशन ड्रग एकदम परफेक्ट लगने लगेगा, तुम लोग भी बहुत बढ़िया वन टैप मारोगे, डीजेड डीगल किसी भी गन से चाहे हेडशॉट मारने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस तुम्हें इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और हमारे छोटा सा लाइक टारगेट को पूरा करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के अपकमिंग वीडियोज़ को देख सको। ओके, सो रोटेशन ड्रग सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी ड्रग टेक्निक को यूज करके तुम सबसे बढ़िया हेडशॉट मार पाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और रोटेशन ड्रग होता है एक टिक मार्क की तरह, अगर एनिमी यहाँ सामने है तो तुम्हारा एम इस जगह पे होना चाहिए ताकि तुम जब राइट की तरफ ड्रैग करोगे एंड देन ऊपर ड्रैग करोगे एम सीधा एनिमी के हेड तक जाना चाहिए। तो स्टेप नंबर वन पे तुम्हें सबसे पहले अपने क्रॉसहेयर को सही जगह पे सेट करना है, जो कि ये वाला जो पोजीशन मैंने दिखा रहा हूँ ना, इस वाले पोजीशन पे अगर तुम क्रॉसहेयर को सेट करते हो तो तुम्हारा रोटेशन ड्रग परफेक्टली काम करता है। तो तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना है अपने क्रॉसहेयर के पोजीशन पर और कोशिश करना ये ज़्यादातर इस हिस्से में रहे ताकि तुम अच्छे से रोटेशन ड्रैग कर सको। तो फिर सेकंड स्टेप में आता है यहाँ पे फायर बटन को परफेक्टली रोटेट करना, यानी रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा गलती क्या होता है कि तुम फायर बटन को सही से रोटेट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से तुम्हारा रोटेशन ड्रैग काम ही नहीं कर पाता। गाइज ये जो गलती है ना ये काफ़ी बड़ी गलती है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है। तो पहले गलती देखते हैं। तो क्या होता है कि तुम फायर बटन को जब तुम बहुत ज़्यादा राइट की तरफ रख लेते हो ना स्क्रीन के राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे तुम्हें जगह ही नहीं मिलती ऊपर को ड्रैग करने के लिए या फिर खींचने के लिए, कहीं पे भी स्पेस नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो मेरा थंब का साइज़ जो है ना, तो यहाँ पे मैं थंब के साइज़ के हिसाब से फायर बटन को यहाँ पर रखता हूँ राइट की तरफ, तो यहाँ से मुझे ड्रैग करने के लिए ऊपर को जगह ही नहीं मिलती और ना ही खींचने के लिए साइड में जगह है। तो अगर मैं फायर बटन को यहाँ पर रखता हूँ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कम्फर्टेबली ड्रैग ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे बंदों के साथ होता है कि वो क्या करते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा राइट में रख लेते हैं। इससे इस देखो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ऐसे अगर तुम्हारा थंब रहेगा तो तुम कैसे रोटेट करोगे और ऊपर को ड्रैग कैसे कर सकते हो। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो गाइज, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम्हारा रोटेशन ड्रैग ही नहीं लगता। तो देखो गाइज, रोटेशन ड्रैग में हमारा थंब इस तरीके से काम करता है, ऐसे हम पहले फायर बटन को खींचते हैं और हमारा थंब बेंड होता है और फिर हम ऊपर को खींचते हैं, यानी हमारा थंब ऐसे बेंड होने के बाद फिर जाके हम ड्रैग करते हैं। लेकिन फायर बटन ज़्यादा राइट की तरफ होने की वजह से हमारा थंब पहले से ऐसे बेंड होता है, तो हमें रोटेट करने के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलता। तो इस वजह से हमारा फायर बटन रोटेट ही नहीं हो पाता, तो रोटेशन ड्रैग होगा कैसे। तो गाइज इस प्रॉब्लम का सलूशन ना बहुत ही सिंपल एंड छोटा सा है। बस क्या करना है कि अपना जो फायर बटन है ना उसे राइट में नहीं रखना है, उसे हमें थोड़ा सा वाइड रखना है, हमें इस जगह पर रखना है ताकि हमारा थंब ना फुल तरीके से स्ट्रेच हो सके, और फिर फायर बटन को अपनी तरफ खींचना है, जिससे क्या होगा कि हमारा थंब जो है वो हल्का सा बेंड हो जाएगा एंड देन हम उसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो बस क्या करना है कि फायर बटन को थोड़ा सा वाइड करके रखना है, यानी हमारा जो थंब है ना उसके साइज़ के हिसाब से देख लो इस तरीके से आपको थंब को यहाँ पर रख लेना है स्क्रीन के ऊपर, और फिर देखना है कहाँ पर आपका थंब एंडिंग हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, तो उस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट को रखना है, ताकि क्या होगा जब तुम फायर करोगे ना तो अपने आप तुम्हारा थंब फायर बटन को अपनी तरफ खींचेगा और फिर तुम ऊपर ड्रैग कर लेना। तो इस तरीके से ये हो गया बिल्कुल भाई ऑटो रोटेशन ड्रैग, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे फायर बटन को अगर प्लेस कर लोगे ना तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली रोटेशन ड्रैग लगना चालू हो जाएगा। एक और चीज़ गाइज याद रखना है कि फायर बटन जितना तुम वाइड रखोगे ना तो उतना ही ज़्यादा रिकॉइल बढ़ने का चांसेस भी रहता है, क्योंकि फायर बटन जब तुम अपनी तरफ खींचोगे तो जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतना ही ज़्यादा रिकॉइल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइट की तरफ भी नहीं रखना है, एकदम सही जगह पे तुम्हें फायर बटन को रखना पड़ेगा। सो ओके गाइज, इस तरीके से तुम लोग ऑटो रोटेशन ड्रैग सीख सकते हो, बस सिंपल दो स्टेप फॉलो करना है, बस इसी तरीके से तुम ट्राई कर सकते हो और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस अच्छे से करना, ताकि तुम इस वाले रोटेशन ड्रैग को ना बहुत ही ईजिली सीख सको। ये सबसे आसान तरीका है गाइज सीखने के लिए, तो जाओ और ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।